दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए। सारे गा सामा गा रे साफा सारे गा मा पा रे गा मा रे पा मा गा रे धा रे गा मा पा धा गा मा पा गा धा पा मा गा नी गा मा पा धा नी मा पा धा मा नी धा बा मा सा मा पा धा नी सा। ये जो अलंकार अभी अभी जो आपने सुना है ये पंडित अजय चक्रवर्ती जी और श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती जी इनका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें मैंने ये अलंकार सीखा, उनसे मैंने ये सुना है। तो आज मैं वो अलंकार आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और क्रेडिट और पूरा थैंक्स उन्हीं लोगों को है क्योंकि उन्होंने इसका निर्माण किया है और मैंने उन्हीं से सीखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलंकार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन हाँ मैं आप सभी लोगों तक समझ कर उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कि कैसे गा सकते हैं इस अलंकार को और कैसे इसको अलग अलग वेरिएट भी कर सकते हैं और कैसे इसी तरह का और भी दूसरा अलंकार आप बना सकते हैं। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आप किसी क्लास में नहीं जा रहे हैं और आपकी गलतियां आपको कोई बता नहीं रहा है तो आप खुद वो जान सकते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ग्रीन लाइट से जानिए कि आप गुड हैं, येलो से जानिए कि एवरेज हैं और रेड से जानिए कि बैड हैं। तो कलर्स में आपको आपके रिव्यूज़ मिलते हैं इसमें। तो अभी डाउनलोड कीजिए और सीखिए रियाज ऐप से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए डायरेक्ट जाते हैं उस अलंकार पर कि उसके पैटर्न्स क्या क्या हैं और उसको हम बांटते हैं अलग अलग, उसके हिस्से करते हैं, कैसे वो अलंकार बन रहा है। तो सबसे पहले तो अलंकार आपने सुना सारे गा सा मा गा रे सा पा सारे गा मा पा, ये उसका एक फ्रेज़ है। ऐसा ही फ्रेज़ धीरे 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 आगे जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं अलंकार एक लड़ को कहते हैं जो सा से सा तक जाती है और हर सुर से वही पैटर्न दोहराया जाता है। जैसे अगर तीन तीन का जाना है सारे गा, तो अब ये तीन तीन हर सुर से जाएगा सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी धानी सा। ठीक है, अब सारे गा सा मा गा रे सा ये एक पैटर्न है तो ये हर सुर से जाएगा 1 2 3 1 4 3 2 1। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि इन स्वरों को अगर नंबर्स दे दो तो आपको और आसानी हो जाती है क्योंकि स्वरों से हम उतने फेमिलियर नहीं होते हैं जितना हम नंबर्स से हैं। ठीक है, तो सारे गा मा पा धा नी सो को रिप्लेस कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 से। अब पैटर्न क्या बन रहा है उसको नोट करो 1 2 3 यानी सा रे गा 1 4 सा मा 1 4 3 2 सा मा गा रे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप इसको कर लो फिर यही पैटर्न रे से रे गा मा रे पा मा गा गा मा पा गा धा पा मा मा पा धा मा नी धा पा पा धा नी पा सा नी दा धा नी सा धा रे सा नी नी सा रे नी गा रे सा, है ना, ऐसे आप बनाओगे। अब उल्टा जब आते हैं तो उसी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 को आप उल्टा कर दो, सा नी धा पा मा गा रे सा बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे, सा ने दा सा, अब क्या पैटर्न जा रहा था 1 2 3 1 4 3 2 तो सा नी धा सा पा धा नी 1 2 3 1 4 3 2, है ना। तो इस तरह से आप उसको करते हो। तो अब इस अलंकार को हम कैसे डाइसेक्ट करते हैं, तो कैसे जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5। अब ये क्या किया, तीन इसमें टुकड़े हैं सारे गा एक ये, फिर सा मा गा रे, ठीक है, फिर सा पा सारे गा मा पा। अब सा पा क्यों लगाया मैंने, ये कूदा क्यों मैं, एक जंप इसमें मिल गया आपको, बीच में लड़ भी मिल गई आपको, थोड़ा सा वक्र जो है स्वरूप मिल गया अलंकार का और ये जंप भी मिल गया। मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या सोच के उन्होंने अलंकार बनाया होगा, तो वो मैं पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप भी कुछ सोच सकते हैं, अपनी अलग थ्योरी लगा सकते हैं इसमें। तो सा पा लगाया क्यों, क्योंकि आगे इसको प पे ही एंड करना है, सा पा सा रे गा मा पा, पहले ही वो सुर लगा लिया। अब ये जो कूदना है ये मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो दिया था कि दूर दूर के सुर लगाना मुश्किल होता है तो उसको आसानी से कैसे करें, तो आप लीपिंग नोट्स लगाते हैं यानी छोड़ छोड़ के जो सुर लगाते हैं, जैसे सा गा पा सा नी पा गा सा रे मा धा रे, है ना, ऐसे आप छोड़ छोड़ के सुर लगाते हैं। या जो स्वरांगिनी जो हमारी किताब है उसका जो दूसरा पेज है सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा रे पा गा धा मा नी पा सा, ये आप छोड़ छोड़ के दूर दूर के सुर लगाते हैं तो इससे आपका वो प्रैक्टिस हो जाती है कि कूद कूद के सुर जो हैं पक्के कैसे लगेंगे, है ना। तो ये एक रियाज होता है, तो यही उसका ही एक मिश्रण इसमें छोटा सा है सा रे गा सा मा गा रे सा पा सा रे गा मा पा।
ठीक है, फिर यही पैटर्न जा रहा है, रे ग म रे प म ग रे धा रे ग म प धा ग म प ग धा प म ग नी ग म प ध नी म प धा म नी धा प म सा म प ध नी सा। अब इसी को उल्टाएंगे, सा नी धा सा प ध नी सा म सा नी धा प म, है ना, नी धा प नी म प ध नी ग नी धा प म ग धा प म धा ग म प ध रे धा प म ग रे प म ग प रे ग म प सा प म ग रे सा। अब इसको ही आप लय में करिए और एक गति में एक फ्लो में करिए, देखिए कितना खूबसूरत लगेगा ये, सा रे ग सा म ग रे सा प सा रे ग म प रे ग म रे प म ग रे ध रे ग म प ग म प ग ध प म ग नी ग म प ध नी म प ध म नी ध प म सा म प ध नी सा सा ने ध सा प ध नी सा म सा ने ध प म नी ध प नी म प ध नी ग नी ध प म ग ध प म ध ग म प ध रे ध प म ग प म ग प रे ग म प सा प म ग रे सा, है ना। विकट विकट जो स्वरूप बन रहा है, अलग अलग कूद कूद के स्वर लग रहे हैं, इससे आपके एक टंग ट्विस्टर हो जाता है। स्वर भी जो है, ये जो स्वर जो शब्द होते हैं सारे गम पद नहीं सही, ये जो अक्षर हैं ये जबान पे सेट हो जाएंगे कि किसी भी फॉर्म में आप बोल सकते हैं इनको, क्योंकि आसान आसान जो फ्रेम फ्रेजेज होते हैं वो तो हम बोल लेते हैं, जैसे सारे गम रे गम ग म प ध ये क्रोमेटिक है, है ना। लेकिन जैसे सा ग म ध प ग प रे म ग नी ये अगर बोलना हो तो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है दिमाग के, अरे कहाँ से कौन से सुर लग गए अचानक से, है ना। तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा क्योंकि कूद कूद के लग रहे हैं और वक्र भी लग रहे हैं तो सुर का भी रियाज हो ही रहा है। अब इसी को आकार में भी कर सकते हो, सीधी बात है, किसी भी थाट में किसी भी स्केल से कर सकते हो, वो सब तो आपके ऊपर है कैसे एक्सपेरिमेंट करते हो। मेरा काम है आपको वो चीज़ देना, उसको आप किस तरह से कर सकते हो, किस खूबसूरती से, किस मुश्किलात उसमें अगर भर सकते हो, तो वो एक स्टूडेंट का दिमाग होता है। तो वो कैसा है, अब ये गौर करने की बात है कि बल कहाँ कहाँ आ रहा है, सारे गा सामा गा रे सा, है ना, सारे गा सामा गा रे सा पा सारे गा मा पा, ये बल है, सारे गा सामा गा रे सा पा सारे गा मा पा। तब जाके वो अलंकार जो है और खंड में विभाजित जैसे ही करते हो तो एक अलग उसमें मजा आ जाता है, अलग एक मुश्किल पैदा हो जाती है, रे ग म रे प म ग रे ध रे ग म प ध, है ना। तो ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब अलंकारों को अच्छे से रियाज करना है तो उन्हें खंड में रियाज करना होता है। थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसको आप आराम से कम गति में करेंगे तो मुमकिन है कर सकेंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ रियाज था जो मैंने उनसे सीखा, जो मैंने सोचा आप सभी लोगों तक पहुंचा दूं। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और छोटा सा ग्लिम्स भी आपने देख ही लिया था, तो वही चीज़ मैंने कोशिश करी है तोड़ मोड़ के आपको सिखाने की। अब इसमें आप बदल भी सकते हैं, जो मैंने बोला था वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, सारे ग सा म ग रे सा ध, सा प की जगह डायरेक्ट सा ध लगाइए, सारे ग सा म ग रे सा ध सा रे ग म प ध रे ग म रे प म ग रे नी ग रे ग म प ध नी ग म प ग म प ग ध प म ग सा ग म प ध नी सा, है ना। तो जैसा कि स्वरांगिनी के जो अलंकार बनते हैं जिसमें पहले चार का सेट जोड़ते हैं, फिर पांच का जोड़ते हैं, फिर छह का जोड़ते हैं, तो उसी तरह से हमने इसको भी बना दिया, सारे ग सा म ग रे सा नी डायरेक्ट सा नी लगा दिया, सारे ग सा म ग रे सा नी सारे ग म प ध नी रे ग म रे प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा। अब इसे और भी मुश्किल कर सकते हो, कैसे, सारे ग सा म ग रे सा प म ग रे सा ध सारे ग म प ध, है ना, कि जो बीच में जो ब्लैंक जगह बच रही थी उसको भी भर दो, सारे ग ये तो एक जा रहा था, सा म ग रे सा प म ग रे सा ध सा रे ग म प ध, है ना, ऐसे भी किया जा सकता है। और सारे ग सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी सारे ग म प ध नी, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपकी उपज के ऊपर है कि कैसे आप वो चीज़ें सीख कर उनसे कुछ नया बनाते हो, यही प्रोसेस होना चाहिए और यही तरीका है कोई भी चीज़ सीखने का, कि सीखने का मतलब ये नहीं कि उसको याद कर लिया और उसे गा लिया और बस ख़त्म हो गया, नहीं। रचना जो है हमारे संगीत का मकसद है, इसका उद्देश्य है कि रचनात्मक शक्ति जो है आपके अंदर पैदा हो, सृजनात्मक जो कण है वो आपके अंदर से फूटे,
ठीक है, तो बस कुछ बनाते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसे सीखते रहिए और कोशिश कीजिए डीकोड करने की ऐसे मुश्किल मुश्किल चीज़ें अच्छे अच्छे कलाकारों ने गाई हुई हैं। अब हमें सौभाग्य इतना नहीं है कि हम उनसे तालीम ले सकें, सीना व सीना विद्या ले सकें, सामने बैठ के सीख सकें, लेकिन हाँ उनके वीडियोज़ हैं, उनके ऑडियोज़ हैं, उनसे हम डीकोड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो बस सीखते रहिए, ऐसी मुश्किल मुश्किल चीज़ें सीखेंगे तो आपका गला दिमाग भी है थोड़ा मुश्किल की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो देखते रहें ऐसे ही और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।